शायद आपको सुनकर अजीब लगे, पर ज़्यादातर मामलों में अपने दुख की वजह हम खुद ही होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर कोई खुद को ही दुखी क्यों करेगा? असल में जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उस वक्त तो हमें लगता है हम ही सही कर रहे हैं, बाद में हमें अफसोस होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12 ऐसी बातें लेकर आया हूँ जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए अगर आप एक शांति भरा जीवन जीना चाहते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। चलो माना आप बहुत टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, आपको दूसरों से ज्यादा नॉलेज है, लेकिन अगर सामने वाला आपकी बात को समझने के काबिल नहीं है तो उसको ज्यादा ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको कोडिंग की अच्छी खासी नॉलेज है और एक आदमी आपसे कहता है मुझे भी कोडिंग सीखनी है, तो आप उसको कोडिंग का पूरा इतिहास सुनाने बैठ जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको उसे उतना ही बताना चाहिए जितना वो समझ सके, वरना आपकी बातें उसके सर से गुजरने लगेंगी। दूसरी बात, जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। मान लो आप किसी के घर बार बार जाते हो लेकिन वो आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी आपको देनी चाहिए, तो ऐसे में आपको वहां नहीं जाना चाहिए। इसी तरह जो इंसान आपकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देता, आपकी बातों पर गौर नहीं करता, उस इंसान को समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे इंसान के सामने चुप रहने में ही भलाई है, वरना चार लोग आपको ही मूर्ख समझेंगे। और जो इंसान सच्ची बातों पर भी रूठ जाए, ऐसे इंसान को भी मनाने का या उसे समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। तीसरी बात है, क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। कभी कभी सामने वाला इंसान हमें इतना इरिटेट कर देता है, इतना गुस्सा दिला देता है कि हम अपना आपा खो बैठते हैं और सामने वाले को कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। कुछ लोग तो माँ बहन की गाली तक देना शुरू कर देते हैं। यार, प्रॉब्लम आपको उस इंसान से है तो आप उसकी फैमिली को बुरा भला क्यों बोलते हो? और ऐसा वो लोग करते हैं जो सीधे साधे होते हैं, क्योंकि एक समझदार इंसान ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा जो उसे चार लोगों के बीच में शर्मिंदा करे। इसलिए गुस्से में कुछ भी ऐसा ना बोले जो बाद में आपके लिए हानिकारक हो। चौथी बात है, चींटी से मेहनत सीखो, बगुले से तरकीबें, और अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। एक आदमी जब कोई काम करने की सोचता है और उस काम में एक या दो बार फेल हो जाता है तो वो उस काम को छोड़ देता है और हार मान लेता है, लेकिन एक छोटी सी चींटी हजार बार गिरने के बाद भी हार नहीं मानती और अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेती है। आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा, आपको बगुले जैसा भी होना चाहिए। आपने देखा होगा, बगुला पानी में एक टांग पर बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है ताकि उसके शिकार को लगे ये सो रहा है, पर असल में वो सही मौके का इंतजार कर रहा है। इसलिए आपको भी किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और तसल्ली से काम लेना चाहिए। पांचवी बात, जिंदा रहने के लिए प्राणवायु के पश्चात दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसा। मैंने अपनी 90% वीडियोज़ में ये पॉइंट शामिल किया है, अगर आपको एक सुखी जीवन जीना है तो पैसा कमाना शुरू करो, और इतना पैसा कमाओ कि लोग आपका इस्तेमाल करने के बारे में नहीं, आपके पैरों में पड़े रहने की जगह मांगें, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपकी वैल्यू नहीं, इसलिए पैसा कमाना शुरू करो। छठी बात, हर समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेते थे और अर्जुन श्री कृष्ण से। जब भी हम दुखी होते हैं या हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो हम किसी ना किसी से एडवाइस जरूर लेते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। अब जो आपको एडवाइस दे रहा है वो कितना ज्ञानी है और आपको कैसी एडवाइस दे रहा है, ये चीज आपको सफल भी बना सकती है और डुबा भी सकती है। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, आप जिससे भी कोई राय लेते हैं वो इंसान आपको सही राय दे रहा है या नहीं, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
सातवीं बात है, आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैरों में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। कुछ लोगों की जुबान बड़ी कड़वी होती है पर दिल के वो बहुत साफ होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने दिल में किसी के लिए कोई भी कड़वाहट नहीं रखते, जो भी कहना होता है मुँह पर कहते हैं और इसीलिए ऐसे लोगों को लोग कम ही पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग बाहर से तो बहुत अपनापन दिखाते हैं लेकिन दिल में नफरत जमा करके बैठे रहते हैं। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते, इसलिए ऐसे लोगों से बचकर ही रहना, क्योंकि ऐसे लोग उस वक्त बदला लेते हैं जब आपका सबसे ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा होता है। आठवीं बात, खुशी जीवन का सबसे पहला मंत्र है अपने राज दूसरों को मत बताना। कुछ लोग ये शिकायतें करते हैं, वो तो मेरे बारे में लोगों को उल्टा सीधा बोलता रहता है, मुझ पर उल्टे सीधे कमेंट्स करता रहता है, मुझे नीचा दिखाता है। इन सब बातों से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, आखिर मैं क्या करूँ यार। पहले तो मुसीबतों को दावत पर आप खुद ही बुलाते हो, उसके बाद रोते हो, मैंने ही दावत दी और मेरी ही बैंड बज रही है। मेरा कहने का मतलब है, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, आप पर उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहा है, आपको लोगों के सामने शर्मिंदा कर रहा है, इसका मतलब है आपने उसे कुछ ऐसी बातें ज़रूर बताई होंगी जो आपको नहीं बतानी चाहिए थी। इसलिए खुशी जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है अपने राज दूसरों को कभी मत बताना। नौवीं बात, यदि छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ो यार। जिस तरह कमल का फूल हासिल करने के लिए हमें कीचड़ में उतरना ही पड़ता है, उसी तरह किसी नीच आदमी को नीचा दिखाने के लिए हमें भी नीच आदमी जैसा बनना ही पड़ता है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। मान लो कोई आपको गलत बोलता है, आपकी इंसल्ट करता है, तो ऐसे में आपको भी उसके जैसा नहीं बनना है। आपको सिर्फ अपने काम से काम रखना है और इसका जवाब आपको अपनी कामयाबी से देना है, गाली गलौज से नहीं। इसलिए लोगों को नीचा दिखाना छोड़ो, खुद को कामयाब बनाने के बारे में सोचना शुरू करो। दसवीं बात, आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। गुस्सा इंसान का वो दुश्मन है जो इंसान को बर्बाद कर देता है, और इसी गुस्से की सबसे खास बात तो ये है, इसे जितना ज्यादा गुस्सा दिखाओगे ये उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर सामने वाला इंसान गुस्से में है तो आपको उस समय प्यार से काम लेना चाहिए, क्योंकि जो इंसान गुस्से में होता है ना तो उसे कुछ समझ में आता है और ना ही वो कुछ समझने की कोशिश करता है। इसलिए आग को आग से नहीं पानी से बुझाओ, यानी गुस्से को गुस्से से नहीं प्यार से शांत करो। ग्यारहवीं बात है, जो व्यक्ति शारीरिक शक्ति से दुर्बल है लेकिन मन की शक्ति से शक्तिशाली हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। हमारे साथ एक बार बुरा हो, दो बार बुरा हो, लेकिन बार बार सिर्फ बुरा ही हो तो हम अंदर से टूट जाते हैं। भले ही हम फिजिकली कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो पर खुद को संभाल नहीं पाते, और अगर आप मन से मजबूत हो तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, आपको दुखी नहीं कर सकता। बारहवीं बात है, उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर नहीं है जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता और गुरु के अलावा ज़्यादातर लोग आपको आपके लक्ष्य से गुमराह करने की कोशिश ही करते हैं। मान लो आप किसी एक फील्ड में नंबर वन बनना चाहते हो तो आपको उस फील्ड के सबसे एक्सपीरियंस इंसान से एडवाइस लेनी चाहिए ताकि आप उस फील्ड में आगे निकल सको। लेकिन अगर आप उस फील्ड के अलावा किसी ऐसे इंसान से राय लोगे जो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता तो वो आपको आपकी मंजिल से दूर कर सकता है। इसलिए सलाह मशवरा उन्हीं लोगों से करना चाहिए जो आपके अपने हों या आपके सबसे खास लोगों में से एक हों। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।